दोस्तों आज जो बॉक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसमें कोई टॉय नहीं है बल्कि इस किट की मदद से आज हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट जहां पे हम बनाएंगे कुछ अलग अलग डिजाइन के सोप। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स की अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। तो वीडियो को प्लीज यार लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि लाइक करने से काफी अच्छा लगता है और चैनल को यार काफी लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे बॉक्स दिखता है फ्रंट की तरफ से कुछ इस तरह का और यहाँ पे जो नाम है हमारे किट का वो है मेक योर ओन सोप फॉरेस्ट एनिमल्स भी नीचे लिखा हुआ है। ये आता है एकता की तरफ से और काफी अच्छे अच्छे किट आते हैं यार एकता के। यहाँ पे जो एज है वो है 8+ ईयर्स बट मैं आपको बताता हूँ कि यार जब भी आप इसका यूज करें तो अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को, अपने एल्डर्स ब्रदर सिस्टर को जरूर अपने साथ में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ माइक्रोवेव और गैस स्टोव का भी यूज होगा तो बड़ी ही सावधानी से आपको करना है। और यहाँ पे आप क्या क्या लर्न कर सकते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है लर्न अबाउट केमिकल रिएक्शंस, ब्लेंड सेंस एंड कलर्स फॉर कस्टम सोप्स एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और अगर मैं पीछे की तरफ देखूं तो यहाँ पे वही हमारे जो कंटेंट्स हैं उसके कुछ डायग्राम और प्राइस की भी बात कर लेते हैं। प्राइस जो है यहाँ पे 450 रुपीज़ लिखा हुआ है बट यार मुझे ये तो 400 रुपये में मिल गया था लोकल मार्केट से। तो जल्दी से यार ओपन करते हैं इस बॉक्स को। तो यहाँ पर कुछ कंटेंट्स है इसके अंदर से निकल के आते हैं तो बहुत ज़रूरी है इनके बारे में थोड़ी सी बात करना ताकि आपको बाद में जो है ना थोड़ी दिक्कत कम हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमको मिलती है और इसे बहुत अच्छे से आप ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि इसमें जो है ना सारा प्रोसेस लिखा हुआ है और अच्छे से आप पढ़ोगे तभी आप अच्छा एक सोप बना सकते हो। साथ ही यार यहाँ पे ना ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी ये है सोप बेस और इसी की मदद से जो है ना हम सोप वगैरह बनाएंगे। तो हम ये रख देते हैं साइड में और ये यहाँ पे हमको मॉल्स मिलते हैं कुछ अलग अलग शेप के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 शेप्स हैं मोल्ड्स के जो हमें मिलते हैं तो इनको भी रख देते हैं साइड में। और इस पैकेट के अंदर कुछ चीज़ें हैं एक बार निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर तो कुछ ये कलर डाई है और अलग अलग कलर के हैं। 4 तो मुझे यहाँ पे कलर डाई मिल जाती है अगर थोड़ा सा पास से देखना चाहते तो कुछ इस तरह के हैं ताकि सोप जो है ना अलग अलग रंगों के बन सके। और ये जो है यहाँ पे क्या ना स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू भी सोप से आएगी काफ़ी अच्छी तो ये दिया गया यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। और अगर आप ग्लिटर वाले सोप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ग्लिटर पाउडर भी हमको मिल जाता है। और लास्ट में जो ये आइटम है ये है सोप को सजाने के लिए कुछ स्टिकर वगैरह, सोप को टांगने के लिए कुछ गिफ्ट वैप जैसे कुछ यहाँ पे मेरे को चमकीले दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर सोप बनाने के लिए कुछ बर्तन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मैंने ही लिया है एक तो ये डोंगा टाइप का और दूसरा ये जो है ग्लास का, ये भी कुछ सर्विंग बाउल है। और इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, पानी जो है ना यहाँ पे आपको डाल लेना है और पानी इतना डालना है कि जो ऊपर वाला हमारा कांच वाला जो बाउल है वो उसमें डूब जाए थोड़ा सा। तो थोड़ा पानी और ऐड कर लेते हैं और इसके बाद में ये जो हमारा कांच वाला बाउल है सिंपली से रखेंगे और ये नीचे टच हो गया है। उसके बाद में हमको करना क्या है, ये जो हमारे सोप के बेस हैं इसको हम ऊपर वाले बाउल में डाल देंगे। और ध्यान रखिए कि यार ऊपर वाले बाउल में मैंने पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं 1, 2 ये स्टार्टिंग में 3 डालता हूँ, चलो एक और डाल देते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ सोप बेस ऐड कर दिए हैं और उसके बाद में आपको इस वाले जो ढोंगे को उठा के पूरा का पूरा गैस के ऊपर रख देना है और हल्की आँच में आप इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हल्का सा पानी गर्म होगा ये जो ऊपर वाला है हमारा सोप बेस वो पिघलना शुरू हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से इसको आराम से पिघलने देना है। जब ये पूरा पिघल जाएगा उसके बाद आपको गैस बंद कर देनी है और आपको ध्यान रखना है कि यार इसमें से ना कुछ मतलब बबल टाइप का नहीं बनना चाहिए। जैसे ही ये बिल्कुल मतलब स्टिर हो जाए, बिल्कुल पतला हो जाए, आप तुरंत गैस बंद करके इस वाले बाउल को अलग कर लेना। और मान लो कि ये पिघला हुआ यहाँ पे पोर्शन है, उसके बाद हम इसमें जो है कलर ये है 5 ड्रॉप्स ऐड करेंगे और फ्रेग्रेंस की 2-3 ड्रॉप ऐड करेंगे और इसको और अच्छे से मिलाएंगे। कलर हमको बिल्कुल दिख जाएगा कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो उसके बाद सिंपली हमको ये जो हमारा मोल्ड है इसके ऊपर हमको ये जो हमारा मिक्सचर बनेगा इसको डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे और 30 मिनट्स के बाद हम उसे निकालेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने इसमें डाल तो दिया ही है सब कुछ, अब सिंपली मुझे इसे गैस के ऊपर रखना है और उसके बाद बाकी प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे यार मैंने निकाल लिया इसको और यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा झाग हो गया तो आप ऐसे झाग वाग मत करना, जैसे अंदर वाला ये प्लेन दिख रहा है इतने में ही आप इसे रोक देना। तो फटाफट से यार इसमें थोड़ा सा हम कलर यूज कर लेते हैं और फटाफट इसे मिक्स कर लेते हैं।
हुई है। दोबारा दोस्तों यहाँ पे सोप बेस को आपने देखा होगा मैंने मोल्ड में डाल दिया है, तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि काफी गर्म है, इसको आधे घंटे के लिए थोड़ा सा इसको हम साइड रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके और अपनी शेप जो है ना वो ले सके। तो यार यहाँ पे मैं कंप्लीट ऊपर की तरफ डाल नहीं पाया था क्योंकि यार बहुत ही जल्दी वो हार्ड हो गया, मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो हार्ड हो जाएगा। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम दूसरे जो मोल्ड है वो ट्राई करते हैं और मैं आगे जो और भी सोप है उनको भी बनाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अच्छे से हमारे जो ये सोप है सूख चुके हैं इस मोल्ड के अंदर और हमें अभी इसे बड़ी ही सावधानी से निकालना है ताकि जो हमारे ये फॉर्म है ना ये मतलब कहीं से क्रैक ना हो जाए। तो मैं आराम से बिल्कुल इसको निकालता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो ये रैबिट शेप का सोप है यार काफी अच्छा लग रहा है, आप देख रहे होंगे यार इस तरफ से काफी अच्छी फिनिशिंग है और ये पीछे की तरफ से कुछ इस तरह का लग रहा है और काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। दूसरा वाला जो है ये भी कुछ रैबिट टाइप ही कुछ गिलहरी है, गिलहरी है शायद से, और काफी अच्छी लग रही है यार ये भी, बहुत मतलब कमाल की लग रही है। और एक और शेप दिखाता हूँ जो थोड़ी सी फिलअप नहीं हुई थी अच्छे से, और ये क्योंकि पीछे से अच्छे से फिल नहीं हुआ था इसलिए शेप इसका इतना अच्छा नहीं आया, बट बाद में जब मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया करने में तो मैंने ये अच्छे अच्छे वहाँ पे सोप बनाए। और एक मैंने बेस भी बनाया, ये सिंपली बेस है, अगर आपके पास कुछ छोटे छोटे मॉल्स वगैरह हैं छोटे छोटे हैं तो आप उस तरह से इसके ऊपर भी उसको चिपका सकते हो तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बनाया था, कंप्लीट भी नहीं हो पाया तो मैंने जो बचा हुआ है सब चिपका दिया था इसके ऊपर, बट ये भी काफ़ी कमाल का लग रहा है दिखने से। तो यार जल्दी से यहाँ पे कुछ गिफ्ट रैप हमको मिलते हैं, इन रैप के अंदर एक बार इसको फिट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि सोप तो बन गया, क्या हाथ वाथ धोने के ऊपर झाग वाग आता है कि नहीं वो भी हम इससे चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कर लिया एक्सपेरिमेंट सोप बनाने का, और अगर अब आप मुझसे पूछेंगे क्या वाकई में हम सोप बना सकते हैं तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तो मैंने यहाँ पे यार काफी अच्छे अच्छे सोप बनाए, आपने देखा होगा यार काफी अच्छे लग रहे हैं ये शेप। यहाँ पे एक टिप जो है मैं आपको देना चाहूंगा कि यार स्टार्टिंग में ना मैंने देखो ये खराब सा बना दिया था, इसकी शेप इतनी सही नहीं है मुझे जो है, क्योंकि सही से फिल नहीं हो पाया था मॉल के ऊपर, इसका एक ही रीजन था कि बड़ी जल्दी ये ठंडा हो जा रहा था। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जैसे ही ये गर्म होता है उसी के ऊपर आप बर्तन के ऊपर इसमें कलर डाल दीजिए और हल्का हल्का हिला के बिल्कुल गरम गरम जो है ना इसके ऊपर आपको बहुत ही सेफ्टी से डालना है ताकि आपका हाथ वाथ ना जले। आप हो सके तो ग्लव्स व्लव्स भी पहन सकते हो और बड़ों की हेल्प आप जरूर लेना, बर्तन जो है काफी ज्यादा गर्म हो गए थे इसके ऊपर। बाकी अगर सोप की बात करूं तो सोप बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस वक्त, और काफी ज्यादा जो है ना अपने दोस्तों को मैं यहाँ पे इंप्रेस कर सकता हूँ और यहाँ पे हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोगों को यार छोटे छोटे गिफ्ट बना के दे सकता हूँ जिससे कि यार वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, काफी खुश हो जाएंगे, बहुत ही यार क्यूट और मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे इस वक्त। तो दोस्तों आप बताइए कि आप में से किसी ने भी ये सोप किट कभी यूज किया या कोई दूसरा सोप किट आपने यूज किया और ये सोप किट आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।